आकांक्षी प्रखंड को लेकर पकरी ब्रावा में कार्यक्रम आयोजित। डीएम ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 3 माह के भीतर लक्ष्य के अनुकूल कार्य करने का दिया गया टास्क। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें, धन्यवाद। पकरी ब्रावा। शुक्रवार को पकरी ब्रावा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित कृषक महाविद्यालय परिसर में पकरी ब्रावा प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड में शामिल किए जाने एवं लक्ष्य के अनुकूल कार्य करने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा एवं जिला परिषद सदस्य बच्चन देवी सहित पूनम देवी एवं प्रमुख रंजू देवी ने संयुक्त रूप से द्वीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में शिरकत कर रहे अधिकारियों के सम्मान में नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत की। तदुपरांत जिला पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा को जिला परिषद सदस्य बच्चन देवी ने फूलदार पौधा एवं बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मधुमेह जाँच, प्रसव जाँच आदि को बढ़ावा देने पर बल दिया। मौके पर लक्ष्य के अनुकूल मिट्टी जांच आदि किए जाने पर भी जिला पदाधिकारी ने बल दिया एवं महिला सुरक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के माध्यम से पोषण के क्षेत्र में बढ़ावा देने को लेकर जोर शोर से महिलाओं को प्रेरित करने की बात कही एवं स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रखंड क्षेत्र के सभी पदाधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वह पकरी ब्रावा प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड की श्रेणी से विकसित प्रखंड की श्रेणी में ले जाने में अपना सहयोग देंगे। मौके पर जिला पदाधिकारी ने स्वयं मौजूद लोगों को शपथ दिलाया कि वह पकरी ब्रावा प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड से विकसित प्रखंड की श्रेणी में ले जाने में सदैव तत्पर रहेंगे। मिट्टी जांच कराने वाले किसानों के बीच प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी ने पकरी ब्रावा प्रखंड लक्ष्य के अनुकूल अब तक कितने किसानों की जमीन की सैंपल जाँच की ली गयी है उसकी जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी से ली, जहां बताया गया कि पकरी ब्रावा को कुल 1078 लक्ष्य दिया गया था, जिसमें 1010 किसानों के खेत की मिट्टी का सैंपल लिया गया। जिन किसानों के जमीन का सैंपल जांच किया गया, उन्हें जिला पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र प्रदान किए। मौके पर कुछ 7 जीविका दीदियों को पशु सखी के भी जिला पदाधिकारी ने प्रदान किए। साथ ही ICDS के माध्यम से हेल्थ कार्ड आदि के निर्माण एवं वितरण की जानकारी लोगों के बीच साझा की गई। मौके पर जिला पदाधिकारी ने मौजूद कई किसानों के बीच बीज का भी वितरण किया। 12 जीविका दीदियों के संगठन को दिया 3,60,000 का चेक। जिला पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने कुल 12 जीविका दीदी के संगठन को 3,60,000 रुपए का चेक प्रदान किया बताया गया। प्रति जीविका के संगठन को 30,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, जिससे कि जीविका दीदी स्वावलंबी होकर अपने आप को समाज के योग्य बना पाएगी। इस अवसर पर CS डॉक्टर नीता अग्रवाल, DPM मनोज कुमार गिरी, जिला योजना पदाधिकारी अनीश कुमार, अंचल अधिकारी राजेश कुमार, आपूर्ति पदाधिकारी मुकेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुशील कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गौरव कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे। योजना के साथ आज संपूर्णता अभियान के 6 सूचकांक में संपूर्णता हासिल करने का जो नीति आयोग ने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसका शुभारंभ पकरी ब्रावा प्रखंड में किया गया है। और जो भी 6 इंडिकेटर है, हम लोग उसमें 100% समय से पूर्व लक्ष्य हासिल करेंगे। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।